आप देख रहे हैं यू फॉर यू, मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त हम हैं जम्मू से 100 किलोमीटर की दूरी पत्नीटॉप में, और जम्मू कश्मीर सरकार की हमेशा से कोशिश रहती है कि पिकनिक स्पॉट जो रहते हैं पत्नीटॉप, सनासर, इनको एक्सप्लोर किया जाए, और जम्मू कश्मीर सरकार इस पर काम भी कर रही है। सनासर में टूलिप गार्डन बनाया गया, और यहाँ से सनासर की दूरी जो है वो है 19 किलोमीटर, यहाँ से सनासर दूर है। और जम्मू के पास जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ कुछ फुर्सत के पल निकाले जाएँ, यहाँ पर ठंडक रहे, गर्मी से छुटकारा मिले। तो ये दो ही पॉइंट हैं जम्मू में, एक पत्नीटॉप और दूसरा सनासर। आइए हम आपको सनासर लेके चलते हैं और वहाँ से रास्ते से रूबरू करवाते हैं कि किस तरह का सफ़र रहता है और क्यों टूरिस्ट जहाँ आना चाहेगा, क्या क्या रास्ते में पॉइंट्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सनासर रोड पर थोड़ी ही दूर निकलने पर हमें एक टोल पोस्ट मिला। यहाँ पर हर टूरिस्ट कार को रोककर उनसे टोल वसूला जा रहा था। ये टोल शायद रोड मेंटेनेंस के लिए होगा, लेकिन रोड की हालत बद से बदतर है, तो फिर ये टोल किस लिए? रोड की तो बहुत बुरी हालत है सर, यहाँ पे रोड या नथर अब तो फिर भी ठीक ही है, तो आगे तो बिल्कुल ख़राब है, जो इतना टूटा फूटा पड़ा है, तो इसकी वजह से जो गाड़ियाँ यहाँ पे आ ही नहीं रहे, टूरिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये रोड की वजह से। लेकिन अगर रोड अच्छा हो, डेवलपमेंट हो यहाँ पे, तो फिर अच्छा भी लगता है, फिर टूरिस्ट आता है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम यही, हर एक बंदा यही बोलता है रोड खराब है, रोड खराब है, किस चीज़ से टैक्सी। आप कितने पैसे चार्ज करते हो यहाँ से आगे जाने के? यहाँ पे हम ये गाड़ी का साफ होता है, प्राइवेट का 30 रुपये है, टैक्सी का 60 रुपये है। कुछ दूर और निकलने पर हमें मंजूर अहमद की एक छोटी सी दुकान मिली जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर डिपेंड है। इस तरह के स्पॉट आपको पत्नीटॉप से सनासर की रोड में देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे सेटअप किए हैं लोगों ने यहाँ पे, जो टूरिस्ट को अपना सामान बेचकर अपना जो खर्च है वो निकालते हैं। ठीक है, आगे बहुत खराब है, बहुत ख़राब है, तो उससे वहाँ पे जो सनासर में गार्डन बनाया गया है, इतना खर्च किया गया है, आपको लगता है पहले रोड का काम करवाना चाहिए था? सही कराना पड़े था, टूरिस्ट कम आता है इसकी वजह से? आता है, बहुत आता है, रोड आगे जाते नहीं, गंदा रोड है, वापस चले जाते हैं नथनटॉप से। हाँ जी। विजय सिंह पहली बार फैमिली के साथ सनासर घूमने आए थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। सर चक्कर है कि नथनटॉप तक तो बहुत बढ़िया, नथनटॉप के आगे तो रोड की इतनी वर्स्ट पोजीशन है कि गाड़ी भी नीचे लगती है, और आती बार तो बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ पे हट्स है ना, वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट बिल्कुल ही नहीं है, JKTDC की हैं या फॉरेस्ट की हैं जो भी हैं, उनमें पानी बिल्कुल नहीं है, ना वाशरूम में है, ना नहाने के लिए, ना पीने के लिए। सनासर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और रास्ते की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खोलती है ये सड़क जो पत्नीटॉप से सनासर की ओर जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये रोड है और कितना मुश्किल हो जाता है टूरिस्ट को यहाँ तक पहुँचना। तस्वीरों में आप ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये गड्ढे आप देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं आप यहाँ पर, और कोई भी ब्लैक टॉप नहीं है, और ये पूरा स्ट्रेच नथनटॉप से आगे 7 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बिल्कुल ऐसा ही है, और इतना सिंगल रोड है और बिल्कुल भी ब्लैक टॉप नहीं है, पथरीला रास्ता है। तो यही कारण है कि जो टूरिस्ट है यहाँ आने से कतराता है। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है उसको सनासर के गार्डन को लेकर, वहाँ पे झील है और भी फैसिलिटी दी गई हैं, टूलिप गार्डन भी बनाया गया है जो सीजनली होता है, लेकिन जो रोड की हालत है बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, और यही एक कारण है कि टूरिस्ट जहाँ आने से कतराता है।
फाइनली उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम सनासर पहुंच गए हैं। यहां आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी झील इन्होंने बनाई है, काफ़ी टूरिस्ट यहां आते हैं और घुड़सवारी का भी है, बोटिंग भी है, वो सब फैसिलिटी यहां मौजूद है जो एक टूरिस्ट को चाहिए जो इतनी दूर से आएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है वो आ रही है रोड की, कनेक्टिविटी की। अगर रोड यहाँ अच्छी हो जाए तो वाकई में सनासर जो है वो पिकनिक स्पॉट के माध्यम से डेवलप हो सकता है। यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी काम किया है टूरिज्म ने, जैसे रोपवे, घुड़सवारी, बोटिंग, लेकिन चार्जेस पर कोई कंट्रोल नहीं। सर 7-8 साल हो गए काम करते हुए। क्या रेट यहाँ फिक्स, कोई रेट फिक्स है यहाँ पे घोड़े के? सर रेट फिक्स तो ऐसे पहले जो था वो तो पहले 60 रुपये था, मगर अब तो पिछले साल से हुआ है वो 200 हो गया है। तो ये कोई रेट फिक्स करता है या आप खुद से करते हो? नहीं सर ये फिक्स करते हैं सर, पिछले साल आए थे टूरिज्म वाले, उन्होंने हमारे कार्ड वगैरह सब कुछ देखा था और उन्होंने बोला कि 200 तक कर दो, कोई बात नहीं आप 200 तक। हाँ तो कभी कोई बाहर का लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, ऐसा भी कब सामने आता कोई कुछ लोग ज़्यादा? एक्वाफिना कोई भी ले लो तो यहाँ हमें 25 की मिल रही है। मतलब सनासर में टूरिस्ट को लुभाने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव तो लिए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो कमियां जल्द पूरी हो जाए।